हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपको मेरा छोटा विंडो गार्डन, मतलब पहले से भी छोटा विंडो गार्डन दिखाऊंगी। मैंने प्लांट्स किस तरह से अरेंज किए हैं वो भी दिखाऊंगी, और मेरे मनी प्लांट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। जैसे आपको ये स्लाइडिंग दिख रही है, तो ये अभी यहाँ पर दो ही है, वहाँ पर तीन थी। इसका मतलब ये विंडो पहले वाले से छोटी है, लेकिन ये चौड़ाई में लंबी है। तो मेरे सारे प्लांट्स यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। तो मनी प्लांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट में तो ये देखो मेरा ये जो मनी प्लांट है, इसमें दिख नहीं रहा है ठीक से। इसको निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि मतलब लाइट नहीं आ रही, दिख नहीं रहा है, पूरा काला काला दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पर, मतलब जैसे ग्रोथ हो जाती है, नया पत्ता आता है ना, तो ऐसा उसके ऊपर का जो मतलब जो भी नया पत्ता आता है वो इस तरह से खा लिया जाता है। पता नहीं कौन खा रहा है क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर मनी प्लांट्स में ऐसा ही है। ये देखो यहाँ पर भी है, कबूतर खा रही है, चिड़िया खा रही है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी एक है, जो भी नया पत्ता आ रहा है वैसे ही हो रहा है। और इसके साथ ही नहीं, मतलब जितने भी मनी प्लांट्स है सब में ऐसा ही हो रहा है। जैसे देखो इसका ये जो नया वाला पोर्शन है, एक सेकेंड फोकस होने दो। हाँ, तो ये नया वाला जो आ रहा है ना, ये यहाँ से पूरा ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये पत्ता जो पत्ते वाला जो पोर्शन है वो गायब हो रहा है। हर एक प्लांट्स में वैसे ही हो रहा है, इसमें भी वैसे ही एक छोटा वाला लगाया मैंने, ऊपर में भी एक है, वहाँ पर भी, मतलब अंधेरा है लेकिन दिख नहीं रहा, थोड़ा लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी है, एक ग्लास में लगाया हुआ, उसमें भी हो रहा है। मैंने वो तोड़ दिया नीचे से थोड़ा सा, उसका जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैंने तोड़ दिया नीचे का, इसमें भी वैसे हुआ, इसका तो पूरा पत्ता ही। ये देख रहे हो आप, इसका पत्ता ही खाया है। और यहाँ पर भी है, जो कि एक पिगी बैंक था प्लास्टिक वाला, जिसका मैंने दो पोर्शन करके इस तरह से लगाया था, उसमें भी वैसे ही हो रहा है। उसके चार ब्रांचेस से लटक रहे, चारों के चारों में वैसे ही हो रहा है। जैसे भी नया पत्ता आता है वो नया पत्ता खाया जा रहा है, पता नहीं। अभी मैं उसको सोच रही हूँ घर के अंदर रखूँ। यहाँ पर मेरे पास एक जगह है जो कि यूज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कभी ना कभी तो मुझे बाहर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन तो मैं घर के अंदर, मतलब ज़्यादा मैं घर के अंदर नहीं रख सकती। कभी ना कभी मुझे उनको बाहर निकालना पड़ेगा, एक वीक के बाद, मतलब क्योंकि उनको रोटेट करना पड़ता है, उनको बाहर की जो हवा है वो भी चाहिए, फ्रेश हवा। तो आपके पास अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो मैं तो अभी इनको यहाँ पर रखने के लिए सोच रही हूँ, तो देखते हैं अभी कैसे और क्या होता है। ये तो मैं मतलब रख दूंगी जो ऐसे है बकेट में, जैसे कि ये वाला है। लेकिन जो ये हैंगिंग वाला है, इसको मैं कैसे रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर प्लांट में, मतलब हर एक गमले में वैसे ही हो रहा है, हर एक में वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही नया पत्ता आता है, एक को तो मैंने दिखाती हूँ यहाँ पर रख दिया है, इसमें भी वैसे ही था, मैंने ब्रांचेस निकाल दी, मतलब तोड़ दी, क्योंकि लटक रही थी, काफ़ी बड़ी थी, इतनी इतनी थी, यहाँ तक थी नीचे, ये जो है वुडन का जो है, ये जो टैसल लगा है, इतने तक लंबी हुई थी, जो कि मुझे तोड़नी पड़ी, क्योंकि वो सब में वैसे ही था, सबका ही वही प्रॉब्लम हो रहा था कि पत्तियाँ खा ली जा रही थी। अभी क्या हो रहा है, क्या कौन खा रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दिखता भी नहीं है। अभी मैं जस्ट पानी डालने गई थी, तभी मैंने देखा कि सब में ही वैसा ही है, मुझे लगा एक में, लेकिन सभी में वही प्रॉब्लम आ रही है। तभी देखते, तभी मैं आपको थोड़ा सा गार्डन दिखा देती हूँ, कहाँ पर मैंने क्या क्या रखा है। थोड़ा सा लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर धूप है, इसकी वजह से लाइट नहीं पकड़ रही है। तो आपको मैं थोड़ा सा
छोटा सा एक दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ पर कौन सा प्लांट रखा है। तो वहाँ पर है मनी प्लांट, उसके नीचे ही स्पाइडर प्लांट है, और उसके नीचे है ये चाइनीज़ रोज़। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखी है क्योंकि यहाँ पे सुबह चिड़िया आती है, शायद वो खा रही है, कबूतर खा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर कबूतर और चिड़िया ही ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर है मेरा ये पेंडनस का छोटा वाला, यहाँ पर दो स्पाइडर प्लांट है इस तरह से, यहाँ पर है फन का पौधा, यहाँ पर अदरक लगाया हुआ ग्लास में, यहाँ पर भी स्पाइडर प्लांट है, यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, और यहाँ पर है प्याज जो कि कल खा लिया गया है, मतलब हम लोगों ने खाया है। उसके बाद स्पाइडर प्लांट वहाँ पर जो बॉटल है दो, ये इस कलर की, तो इसमें है मनी प्लांट, उसका भी वही हाल है, और उसमें कुछ अलग ही है जो कि आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये देखो यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उसका नाम नहीं पता, मैंने बॉटल में लगाया है। और यहाँ पर मनी प्लांट का वही जो मैंने पिगी बैंक में लगाया था, मतलब पिगी बैंक काट के लगाया था, और यहाँ पर बॉटल में है मनी प्लांट्स की कुछ कटिंग, वहाँ पर कॉर्नर में, एक सेकेंड में ये स्लाइडिंग हटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये है टमाटर का पौधा है, उसके बाद यहाँ पर है पेंडेनस का बड़ा वाला, और मैं इसको भी निकाल देती हूँ क्योंकि अभी इसकी जगह यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि जगह है और ये जगह वैसे भी वेस्ट जा रही है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर है मेरा सदाबहार का, अच्छे से ग्रो हो रहा है, प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस वही कि मनी प्लांट मतलब ख़राब कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर बैम्बू है, और बैम्बू के इसमें भी मैंने यहाँ पे दुर्वा लगाया था जो कि पूजा मतलब फूल लाते हैं हम लोग पूजा के लिए, उसके साथ आया तो मैंने ऐसे ही घुसा दिया, अभी तक तो फ्रेश है, तो शायद से मुझे लगता है कि ग्रोथ करेगा। और मैंने और भी सारे मतलब कुछ कुछ बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि गणपति का टाइम है तो आता ही है, दुर्वा मिलता ही है। तो इसका क्या हुआ था, मैंने ऐसे ही सब में सब मतलब दो चार गमलों में इस तरह से गाड़ दिया था, तो वो भी निकाल दिया गया है, बस इसमें और तुलसी में थोड़ा है, बाकी सबका निकाल दिया गया है। मैं बताती हूँ कौन से में लगाया था। तो उसके बाद यहाँ पर पानी में मेरा सिंगोनियम है, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये देखो यहाँ पर एक नई पत्ती भी आई है, और भी एक आ रही है देखो यहाँ पर नीचे। उसके बाद ये है बैम्बू वाला, इसमें भी मैंने लगाया था दुर्वा, वो भी उखाड़ के मतलब पूरा जड़ मतलब निकाल के लेके गए, अभी ये रिटर्न। यहाँ पर है तुलसी का पौधा, ये वही वाला है जो कि मैंने खरीद के लेके आई थी, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है, और सुबह इसमें मंजरी आई थी तो वो मैंने निकाल दिए। और ये दूसरा वाला, ये वाला है मेरा दूसरा तुलसी का पौधा जो कि मुझे पुराने घर पे रहते हैं, पुराने घर में रहते थे ना, वहाँ पर मैदान था बाहर, वहाँ पर मिला था, इसमें भी दो चार जगह मंजरी आई थी, वो भी मैंने निकाल दिए। ये है इसका नाम मुझे पता चल गया, पत्थर चट्टा कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, ये अपना ये जैसे किडनी स्टोन होता है ना, तो इसका मुझे नाम पता चल गया। ये जो मेरा दूसरा पौधा है तुलसी के बाजू में रखा हुआ, ये इसका नाम अभी मुझे पता चल गया, इसका नाम है पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह से इसकी भी ग्रोथ अच्छी है, मतलब अच्छी आ रही है। इसका भी एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया गया था नीचे, मतलब यहाँ पर जो है ना ये पूरी डंडी साफ कर दी है, पत्ता तोड़ा या पता नहीं क्या गिर रहा है, गिरा तो नहीं है लेकिन तोड़ा ही था, काफ़ी मतलब मजबूत था, जैसे जब टूटा था तो ये जो पोर्शन है मजबूत था, ऐसे सॉफ्ट नहीं था, शायद वो तोड़ा ही गया है। उसके बाद यहाँ पर मिर्ची का पौधा है, अच्छी ग्रोथ है देखो, और यही बॉटल में ही लगा है। उसके बाद यहाँ पर है फन का पौधा, यहाँ पर है एलोवेरा, यहाँ पर है बड़ा वाला एलोवेरा, और उसमें दो छोटे छोटे बेबी एलोवेरा उग गए, ये देखो यहाँ पर एक है, उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जिराफ सोया है, इनको भी गिरा देते हैं बैठ बैठ के इनके ऊपर। और यहाँ पर है करेला और कड़ी पत्ता,
तो कड़ी पत्ते की ग्रोथ रुक गई है, करेले ने उसको शायद से मार दिया होगा। मतलब ऐसा होता है ना, जब एक ही इसमें दो लगे होते हैं तो एक ही ग्रोथ करता है, तो उसी तरह से मतलब दो पौधे अगर एक ही गमले में लगाए गए हुए होते हैं तो एक ही पौधा ग्रोथ करता है ठीक से, दूसरा सुस्त हो जाता है। तो वैसे ही कड़ी पत्ते के साथ हुआ है शायद से, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है जितना है उतना ही है, और करेला अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखो, यहाँ से एक दूसरी ब्रांच भी निकली है जो कि ऐसे जा रही है ये ग्रिल के ऊपर। और ये जीजी प्लांट है, और यहाँ पर है मनी प्लांट, और ये एक छोटा मनी प्लांट। तो इस तरह से प्लांट्स तो अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं, जगह भी है। देखो यहाँ पर और भी प्लांट्स आ सकते हैं, जगह है, वैसे जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कुछ भी नया पत्ता आता है, मतलब एकदम छोटा पत्ता होता है, वो इस तरह से नया वाला ग्रोथ होता है उसको काट के खा लेते। और एक दिखाती हूँ यहाँ पर, ये जब कुछ छोटे 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 दिख रहे, ये भी इसका ही पत्ता, जैसे ये देखो यहाँ पर निकाल के फेंक दे, ये एक है। और एक मैंने वो जो दूसरा मेरा बड़ा वाला मतलब सिंगोनियम जिस मिट्टी में लगाया हुआ वो अंदर रखा है मैंने। तो इस तरह से इसके ना पत्ते गिरे थे तो मैंने ऐसे मिट्टी के ऊपर रख दिए, पत्थर रख के। ये देखो यहाँ पर है, इस तरह से इसके ऊपर एक पत्ती मतलब पत्थर रख दिया इस तरह से, तो वो इस तरह से भी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि ये जो इसका ये देख रहे, ये जो इसकी कॉर्नर होती है, ये जो यहाँ पे कॉर्नर होता है ना, इससे ना रूट्स निकलती है इसकी कॉर्नर से। ये जो यहाँ पे देखो ये गैप है ना, यहाँ से ना रूट्स निकलती इनकी, तो यहाँ से वो ग्रोथ कर लेता है। ये एक पत्ती से भी उगने वाला पौधा है, और ये किडनी के लिए मतलब जिनको किडनी स्टोन हुआ होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, सुबह उठ के खाते है बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी उतना पता नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो इसको सुबह सुबह खाते हैं। इसकी एक बड़ी वाली पत्ती, ये तो बहुत छोटी है, ये भी नहीं आई थी, इसको तोड़ दिया था, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। तो ये है इस तरह से, और इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं, तो इसका नाम मुझे पता नहीं, हिंदी में पत्थर चट्टा कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से है, अभी देखते मनी प्लांट्स का मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे मनी प्लांट्स मेरे ख़राब हो रहे, तो मैं यहाँ पे रखने का सोच रही हूँ। क्योंकि इस तरह से मैंने बाकी सब बर्तन यहाँ पर अरेंज कर दिए, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, तो सोच रही हूँ मैं यहाँ पर इसको सारे मनी प्लांट्स जितने आते उतने बाकी सब मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँ, क्योंकि ये तो मैंने अभी लाया, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी जगह है, यहाँ पर और इस कॉर्नर में एक दो आ जाएंगे।